अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम एक और प्रॉपर्टी डील लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हम आपको बताते चलें, आज की हमारी प्रॉपर्टी बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। और जैसा कि मैं आपको बताता चलूं, इस प्रॉपर्टी की भी ख़ास बात यह है कि इस घर को आप देखेंगे तो आप कहेंगे कुछ इनकम्प्लीट नहीं लग रहा, और ये कम्प्लीट घर तो नहीं है, ये तो इसमें कुछ काम बाकी है। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये घर जो है, अब ये इसका स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर तैयार करके बहुत खूबसूरती से इसको एक समझ लें ढांचे की सूरत में आपके सामने रख दिया गया, जिस पर गोश्त आपको चढ़ाना है। हड्डियाँ मौजूद हैं इस घर पर, गोश्त और तमाम तर मसल्स और जो इंसान के जॉइंट्स वगैरह होते हैं उस तरह से घर के भी होते हैं, वो आप सब कुछ खुद करना पड़ेगा। इसमें आपको हर चीज़ खुद डालना पड़ेगी। तो नाज़िर मैं आपको बताऊं, इस स्ट्रक्चर में जो है आप देख सकते हैं, ये 100 गज़ का एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है। RCC छत इसमें डली हुई है, 2 रूम्स हैं, टोटल 3 बाथरूम है, RCC का टैंक है, जीना है, और उसके साथ साथ वाटर फिटिंग हुई हुई है, कंसील्ड वायरिंग रखी गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी ढांचा है लेकिन आपको वायरिंग नज़र नहीं आएगी, ऐसे ही जैसे इंसान के जिस्म में रगें नज़र ना आ रही हों लेकिन रगें अंदर मौजूद होती हैं, इसी तरह से जो है इस स्ट्रक्चर का ख़ास ख्याल रखा गया है। ये एक मुख्तलिफ़ किस्म का नया स्ट्रक्चर है, और क्योंकि जिसके बनाने वाले रज़ा भाई हैं और स्ट्रक्चर उन्होंने इसलिए नया बनाया है कि वो कह रहे हैं मैं ज़रा सा तजर्बाती आदमी हूँ, मुख्तलिफ़ तजर्बे करना पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने इस स्ट्रक्चर को एक नए अंदाज़ में बना के लोगों की खिदमत में पेश किया है। कि ये आम तरीके से नहीं स्ट्रक्चर बना हुआ, ये एक मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जाती आप अगर इस स्ट्रक्चर में अपना काम चढ़ाएं तो ऐसे ही है कि जैसे आप किसी इंसान को खिला पिला के मोटा कर दें और उस पर गोश्त पोस्ट चढ़ा दें। नाज़रीन तंज़ो मिज़ा से हट के मैं आपको ये बताऊँ, 100 गज़ का ये स्ट्रक्चर है, 2 रूम है, 3 बाथरूम है, RCC टैंक है, जीना है, RCC की आप खुद जो है जस्टिफाई डिटेल्स देख सकते हैं किस तरह से जो है RCC का काम हुआ है, वाटर फिटिंग हुई हुई है, वायरिंग की आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हुई हुई है। रज़ा भाई इसकी डिमांड कर रहे हैं, इस ढांचे की डिमांड कर रहे हैं 25 लाख रुपये। 25 लाख रुपये वो कह रहे हैं मैं ढांचे के मांग रहा हूँ, अगर ये पूरा का पूरा जानदार घर तैयार करके दे दूँ तो ये आपको कम से कम भी 70 से 80 लाख रुपये मैं मांगने की इस्तेआत रखता हूँ, अब मैं इतने मांग लूँगा। तो नाज़रीन आप चाहें तो रज़ा भाई को कॉल करें और कहें रज़ा भाई क्या खूबसूरत स्ट्रक्चर, क्या खूबसूरत ढांचा आपने बनाया है, वो भी राज़ी फेस 2 में, ये तो मज़ा आ गया, क्या आप ये ढांचा मुझको बेच सकते हैं, बाकी इस पे काम मैं खुद कर लूँगा। तो रज़ा भाई बोलेंगे बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसकी डिमांड कर रहा हूँ 25 लाख रुपीज़। तो आप उनको कह सकते हैं रज़ा भाई ये तो सिर्फ़ एक ढांचा है, ढांचे के 25 लाख रुपये थोड़ी सी गुंजाइश कर लेना। तो रज़ा भाई बोलेंगे असल चीज़ ढांचा ही होता है, उसके ऊपर ही जो है बुनियाद समझ लें आपको मिल गई है, आगे आपको इस पे अब काम करना है। तो आप रज़ा भाई को कोई नेगोशिएबल ऑफ़र देंगे तो वो मान जाएंगे और ये घर आपका हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में एक और प्रॉपर्टी डिटेल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।